कर्नल जी जी, आपके अकॉर्डिंग एस्ट्रो फाइनेंस के मुताबिक आपको क्या लगता है, क्या आम जन के लिए ये बजट कुछ रह सकता है, मतलब कि कुछ प्रभाव देखने को मिल सकता है? जैसे कि आपने बताया थोड़ा कंफ्यूजिंग सा बजट रहेगा, आम जन देखेगा कि मेरे को क्या मिला, तो क्या ऐसे ही एग्री के लिए भी रहेगा क्या, या फिर एग्री बजट में कुछ किसानों के लिए कुछ किया जा सकता है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि बजट से पहले भी MSP बढ़ाई जा चुकी है? देखिए, बजट का जो एग्रीकल्चर का जो एलोकेशन है वो 18 लाख करोड़ से ऊपर होने की संभावना, मतलब उससे उसके अंदर कुछ बढ़ोतरी की संभावना होगी इस फंड बजट के साथ में, ऐसी संभावना है। दूसरा चीज, किसानों को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रियायतों का भंडार मिल सकता है जी। अब ये चीज बिल्कुल अलग है कि किसानों को वास्तव में ग्राउंड पे क्या मिलेगा, कितने इफ एंड बट होंगे, लेकिन घोषणाएं तो बहुत होने की संभावना है। रूरल इकोनॉमी जो है, यानी ग्रामीण परिवेश की जो इकोनॉमी है, चाहे कृषि इक्विपमेंट बनाने वाली कंपनियां हैं, या कृषि जैसे ट्रैक्टर है, या फिर कृषि उपकरण है, या भंडारण है, या आप कृषि यदि आप भंडारण की बात करते हैं और उसके अंदर मान लो एक बड़ी राशि अलॉट भी हो जाती है रियायती के रूप में, तो एक छोटा और सीमांत किसान तो ना तो भंडारण या कोई वेयर हाउस बनाने से रहा, वेयर हाउस हो या तो उद्योगपति बनाएंगे या फिर व्यापारी बनाएंगे या फिर बड़ा किसान बनाएगा, उस अंदर वो रियायत तो है लेकिन एक सीमांत और एक छोटा किसान उसमें क्या फायदा उठा लेगा? किसान तो जब फायदा उठाएगा जब उसको MSP उसको ज्यादा मिले, किसान तो जब बना बताएगा जबकि कृषि उपज मंडियां हैं वहां पर उसका उसको दाम उसको अच्छे मिले, कृषि और किसान को तो फायदा जब होगा जब उसकी उसको बीज खाद और बीज के अंदर रियायतें मिले, वो सस्ते मिले, उच्च क्वालिटी के मिले। कि आप भंडारण कर रहे हो, दूसरे कर रहे हो, तो इसके अंदर अर्थव्यवस्था के लिए तो अच्छी है, लेकिन एक छोटे किसान को क्या मिल रहा है, या जिसके पास 10 एकड़ जमीन है या 15 एकड़ जमीन है, या नौकरी पेशे वाले लोग हैं जो 20,000, 25,000, 30,000, 40,000 रुपए की जो एक एवरेज सैलरी पर कर रही है, उनको क्या मिल रहा है जी? क्योंकि संख्या में भारत में सबसे ज्यादा है। मैं सवाल उन लोगों के लिए कर रहा हूं कि उनको क्या मिला, उसके अंदर मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत ज्यादा इसके अंदर कुछ होने वाला है। ये मेरे को कहना है कि आज रोजगार मिल रहा है, महंगाई कम हो रही है, या उनको कुछ अनुदान मिल रहा है, वो जो छोटा और मध्यम व्यक्ति है उसको क्या मिला, वो देश के लिए सबसे महत्वपूर्ण होगा, ये मेरा कहना है जी। कर्नल जी, ज्योतिष के आधार पर बजट 2022 किस सेक्टर के लिए अच्छा रह सकता है? देखिए, बजट जहां तक मुझे लगता है कि ये भंडारण जो है, वेयर हाउसिंग, जहाजरानी, ये उनके लिए काफी अच्छा हो सकता है। दूसरा चीज, असंगठित जो क्षेत्र है, क्योंकि वो रोजगार देते भी हैं और रोजगार के साथ साथ में जो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्रेनर्स हैं उनको उनकी कमाई भी कराते हैं, उसके ऊपर नजर होना चाहिए। दूसरा चीज, प्राइवेट जो निजी क्षेत्र और सरकारी क्षेत्र के संयुक्त भागीदारी के कुछ प्रोजेक्ट अच्छे आ सकते हैं, उसमें रियायतें मिल सकती हैं। एजुकेशन पे रियायती और बन सकता है, हेल्थ केयर के ऊपर काफी अच्छा हो सकता है, इसके अलावा रिसर्च एंड डेवलपमेंट जैसे जो दवाइयों के ऊपर है उसके ऊपर कुछ काम हो सकता है, एक्स सर्विसमैन को कुछ रियायत हो सकती है, डिफेंस बजट के अंदर मामूली बढ़ोतरी होने की संभावना है, ये कुछ संभावनाएं हमें नजर आ रही हैं। और जो सबसे महत्वपूर्ण जो मुझे लगता है कि कृषि के ऊपर जो रूरल इकोनॉमी है, जैसे एग्रीकल्चर इक्विपमेंट बनाने वाली कंपनियां हैं, ट्रैक्टर बनाने वाली कंपनियां हैं, खाद एंड बीज की बनाने वाली कंपनियां हैं, इनके लिए कुछ थोड़ा सा बेहतर हो सकता है, इससे रूरल इकोनॉमी को डेवलपमेंट हो सकता है। इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर, रूरल एरियाज के अंदर कुछ अधिक खर्चा हो सकता है, इस तरह की कुछ घोषणाओं की संभावना है। और इससे संबंधित कंपनियों पर यदि आप नजर रखेंगे तो मुझे लगता है कि अच्छी उसमें मुनाफा कमाया जा सकता है। जैसे जहाजरानी पर मैंने कहा कि कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जैसी कंपनी पर नजर रखते हैं आप जी,
क्योंकि शिपिंग की भारत सरकार की सबसे बड़ी कंपनी है और उसकी जो प्रॉपर्टी है और उसके जो नंबर ऑफ शिप्स हैं उसको देखते हुए उसका अंडर वैल्यूएशन है उसको देख सकते हैं, बीपीसीएल जैसी कंपनी देख सकते हैं जहां पर डिसइन्वेस्टमेंट की बात चल रही है। इसके अलावा स्टील की सबसे बड़ी कंपनी भारत सरकार की स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यदि आप उसकी मशीनिंग देखें, उनकी माइनिंग देखें, उनके एसेट्स देखें, उनके प्लांट देखें तो सबसे सस्ती वैल्यूएशन वाली कंपनी है, 100 रुपए के आसपास की उसका शेयर है, उसके अंदर भी डिसइन्वेस्टमेंट है। हिंदुस्तान कॉपर जैसी कंपनी है उसका भी अंडर वैल्यू स्टॉक है, उसके ऊपर भी आप नजर रख सकते हैं। इसके अलावा जो सरकारी क्षेत्र की कंपनी है जो डिफेंस इक्विपमेंट बनाती है, जो स्वदेशी पर जोर हो सकता है, BEL है, BEML है, BHEL है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स है, इन कंपनियों के ऊपर नजर रखी जा सकती है, इनके शेयर्स में भी अच्छी मूवमेंट बन सकती है। तो खासकर उसके अलावा रेलवे का जो है IRCTC जो है उसके अंदर मर्जिंग की बात हो रही है, क्योंकि एक छत्रराज है वहां पर रेलवे के अंदर कोई मोनोपोली बिजनेस है उसके ऊपर नजर आ सकती है। पावर के ऊपर अब संकट को देखते हुए सरकारी पावर जनरेशन वाली कुछ क्षेत्र है उसके अंदर भी कुछ तेजी की संभावनाएं नजर आती है। जी अखिलेश जी। जी कनल जी।